भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। अधिक मास पुरुषोत्तम मास की सबसे बड़ी एकादशी परमा एकादशी, जिसे पुरुषोत्तमा एकादशी, कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भगवान नारायण की सबसे परम प्रिय एकादशी है। प्रत्येक वर्ष 3 साल के बाद जब अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल इस एकादशी का आगमन होता है। यह कोई साधारण एकादशी नहीं है, यह करोड़ों एकादशी का पुण्य फल देने वाली एकादशी है। और इस एकादशी का व्रत करके ही भगवान कुबेर ने देवताओं के कोषाध्यक्ष धनाध्यक्ष का पद प्राप्त किया था। तो इस एकादशी पर यदि आप सेंधा नमक का उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो करेंगे तो निश्चय ही आप भी करोड़पति बन जाएंगे। खुद माता महालक्ष्मी आपके घर में आएगी और आपके घर में, आपके परिवार में रुपये पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। यह धन देने वाली एकादशी है, गरीबी को मिटाने वाली एकादशी है, दरिद्रता को समाप्त करने वाली एकादशी है, कंगाली को जड़ से नष्ट करने वाली एकादशी है। तो इस एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत रखता है उसके जीवन में कभी भी गरीबी, कंगाली या दरिद्रता नहीं आती है, उसके जीवन में आर्थिक समस्या कभी भी नहीं आती है, सदैव महालक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, द्वितीय श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी, कमला एकादशी तिथि का आरंभ 11 अगस्त की सुबह 7:35 से हो चुका है, जो कि 12 अगस्त की सुबह 7:58 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर जो शुद्ध एकादशी रहेगी वो 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए तथा इस एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 13 अगस्त 2023 रविवार की सुबह 6:13 से लेकर के 8:13 के बीच में कर लेना चाहिए। और एकादशी व्रत 12 अगस्त की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही आरंभ हो जाएगा। तो एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि विधान और कथा के अन्य वीडियो हम आपके लिए प्रस्तुत कर चुके हैं, उन सभी में आपको एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको इस परमा एकादशी के दिन सेंधा नमक का एक सरल और सटीक उपाय अपने घर में करना चाहिए। सेंधा नमक, जिसे फलाहारी नमक के रूप में भी हम जानते हैं, पहचानते हैं, काला सेंधा नमक के रूप में बाजार में मिलता है, सफेद सेंधा नमक भी मिलता है, दोनों में से कोई सा भी सेंधा नमक यदि आपको मिल जाता है तो खड़ा नमक यदि मिलता है तो अति उत्तम है। वैसे आजकल खड़ा नमक कम ही मिल पाता है, ऐसे में यदि पीसा हुआ सेंधा नमक मिल जाए, सफेद नमक मिल जाए सेंधा नमक, तो आप परमा एकादशी के दिन कभी भी किसी समय यानी सूर्यास्त के पहले पहले 4 पेपर के टुकड़े, सफेद कागज के टुकड़े पर सेंधा नमक रख करके घर के चारों कोनों में आपको रख देना चाहिए और उसके बाद अगले दिन उस सेंधा नमक को अपने जो वॉश बेसिन जहां पर हम हाथ धोते हैं या पानी हमारा जाता है उस पाइप के माध्यम से आपको सेंधा नमक बहा देना चाहिए। यदि इस उपाय को आपने परमा एकादशी के दिन किसी भी समय सुबह से लेकर के देर रात तक कर लिया और अगले दिन यदि उस नमक को आपने बहा दिया तो आपके घर की दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए बह करके चली जाएगी और आपके घर में कभी भी फिर गरीबी नहीं आएगी। और दूसरा उपाय है, यदि आपका आत्मविश्वास बहुत अधिक कमजोर है, आप किसी भी बड़े व्यक्ति के सामने या अधिकारी के सामने या किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के सामने, सीनियर व्यक्ति के समक्ष खड़े होकर के और बेबाकी से आत्मविश्वास के साथ बात नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सेंधा नमक का खड़ा या पीसा हुआ कोई सा भी नमक है,
अपने हाथ की हथेली पर यानी उल्टे हाथ की हथेली पर रखना है और सीधा हाथ दबा करके रख देना है और इस प्रकार अच्छा कस करके आपको रखना है और मन ही मन स्मरण करना है कि मेरे अंदर की जो भी नकारात्मक विचार है, नकारात्मक जो भयावह स्थिति है या जो भी अंदर डर बैठा हुआ है वो सब इस नमक के अंदर समाहित हो जाए और उसके बाद उस नमक को आप वॉश बेसिन में या पाइप में या पानी के माध्यम से बहा दीजिएगा, चाहे तो नाली में भी उसको आप बहा सकते हैं। ऐसा यदि करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी नकारात्मक जो विचार है, अवधारणा है, वो समाप्त हो जाएगी। और जब आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ, बुजुर्ग व्यक्ति के साथ चर्चा करेंगे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ उनके साथ बात कर पाएंगे। तीसरा उपाय है, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है या कोई बच्चा जिसको बार बार नजर लगती है या कोई लड़की है जिसको बार बार नजर लग जाती है या कोई घर का बड़ा व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं होती है, नजर लगती है, तो उनके ऊपर सिर से लेकर के पांव तक आपको सेंधा नमक परमा एकादशी के दिन उतारना है। यदि पीसा नमक है तो मुट्ठी में बांध करके इस प्रकार सिर से लेकर के पांव तक आपको 21 बार उतारना है और उतार करके उस नमक को आपको पानी में बहा देना चाहिए, वॉश बेसिन में या नल के जो पानी जहां पर जाता है वहां पर आपको उस नमक को बहा देना चाहिए। इन उपायों को यदि आपने परमा एकादशी के दिन कर लिया तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर की सारी नकारात्मक शक्ति बह करके चली जाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी। और जब हमारे घर में, परिवार में सकारात्मकता का आगमन होता है तभी हमारे घर में देवी देवताओं की कृपा होती है और महालक्ष्मी का आगमन होता है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।